नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें मैं हम लोग बात कर रहे थे झीलों के बारे में, प्रमुख झीलें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी यूरोप की प्रमुख झीलों के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग एशिया की प्रमुख झीलों को देखेंगे, एशिया महाद्वीप में जो भी प्रमुख झीलें हैं आपकी, उन सभी को देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप को देख लें कि मैप में है कहाँ आखिर, ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है आखिर। ठीक है, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, तो इसमें हमारा प्यारा भारत और एशिया, ये है हमारा प्यारा भारत और ये लगा हुआ है आपका एशिया। ठीक है, क्या है एशिया, ये यहाँ एशिया है। ठीक है, एशिया, ठीक है, पूरा एशिया, ऊपर रूस, मंगोलिया, नीचे मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ तक फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, या कहीं यमन, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, या तुर्की, आपका यूरोप में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, यहाँ रूस भी आपका यूरोप में है, एशिया में, दो ही दोनों महाद्वीप में। यहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, मंगोलिया, चीन आपका, ठीक है, ये सभी आपके एशिया महाद्वीप में। ठीक, ये आपकी फारस की खाड़ी है, आदन की खाड़ी है, ठीक, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान सागर, यहाँ आपका पोर्टलैंड सागर है कंबोडिया के पास, दक्षिण चीन सागर जो चर्चा में रहता है न्यूज में, यही है दक्षिण चीन सागर। ठीक है, फिलीपींस सागर है, पूर्वी चीन सागर है, यहाँ पीत सागर है, जापान सागर है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों यहाँ से, ठीक है, यहाँ टोक्यो है, उखो तस्क सागर है ऊपर। ठीक, तो ये था आपका पूरा एशिया महाद्वीप का जो भी आपका मैप्स है उसे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी झीलों की अवस्थिति के बारे में, मैप्स में कहाँ कौन सी झील आपकी स्थित है। तो ये है आपका प्यारा एशिया पूरा। ठीक है, देखिए ये है नीचे तक, ठीक है, ये फैला हुआ है यहाँ तक। तो हम लोग देखते हैं कौन कहाँ झील है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जे जिया झील के बारे में। कौन सी जिया झील, कहाँ है आपकी जिया झील, ये है आपकी जिया झील, जिया झील। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है जिया झील के बारे में, कि रूस के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है जिया झील है जो आपकी, ये रूस के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस झील से ही जिया नदी उद्गम होता है। ठीक है, फिर आपकी बैकाल झील है, यही ये आपकी बैकाल झील है, बैकाल झील है, ये बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक झील जो यूरेशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। इस झील के केंद्र में ओलखोन द्वीप है। बैकाल झील से एनेसी नदी की सहायक अंगारा नदी निकलती है। इरकुटस्क शहर अंगारा नदी के दाहिने किनारे स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है, इसकी गहराई है 1745 मीटर। ठीक है, ये भी आपकी रूस में ही स्थित है। फिर आए नीचे तो किंगाई झील है आपकी, ये एक किंगाई झील है। एक किंगाई झील के बारे में याद रखिए कि यह चीन के किंगाई प्रांत में स्थित है। ठीक है, नमकीनी झील है, चीन की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और सर्दियों में ये जम जाती है। फिर नीचे आए तो ये आपकी लिपोनार झील है। लिपोनार चीन के तकला मकान माकन के उत्तर पूर्व स्थित एक झील, एक खारे जल की झील है। तरीय नदी अपना जल इसी झील में गिराती है। ठीक है, स्मरणीय रहे कि याद रहे कि चीन का परमाणु परीक्षण स्थल लोपोनोर यहीं अवस्थित है, लेपो नगर पर। ठीक है, फिर आए आप लोग तो नीचे आपकी ये टोनली सेप झील है। कौन सी, टोनली सेप झील, ये कंबोडिया में स्थित है, ताजे जल की झील है, ताजे पानी की। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है, याद रखना,
फिर आपकी टोबा झील है, टोबा झील इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के वेरिसन पर्वत पर केटर झील है, ठीक है, कहाँ है आपकी, इंडोनेशिया में। फिर तुबोती झील है, आपकी तुबोती झील है, या ये आपकी चिल्का झील है, भारत में है चिल्का झील उड़ीसा के तट पर, ठीक है, यही आपकी सांभर झील है, ये आपकी सांभर झील। इसके बारे में याद रखिए सांभर झील के, कि भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है, यह अंतर्जलीय खारे जल की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऊपर चलें तो ये बूलर झील है, बूलर झील है आपकी, बूलर झील जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, यही आपकी डल झील है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट है स्थित, ये भी ताजे पर जल की झील है। फिर है आपकी इसी, ये इसी कुल झील, इसी कुल झील ये आपकी कजाकिस्तान स्थित मीठे जल की झील है, चू नदी इसी झील से अपना जल गिराती है इसी झील में। ऊपर आए तो जेसान झील है आपकी, कौन सी, जेसान झील, यह पूर्वी कजाकिस्तान में स्थित मीठे जल की झील है, ठीक है। स्वेत झील, स्वेत एटिस नदी का उद्गम इसी झील से होता है, ये आपकी बालखस झील है, कौन सी, बालखस झील, कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में अरल सागर से पूर्व मीठे जल की झील है, यह नवंबर से मार्च तक जमी रहती है, ठीक है। तो हो गई, फिर आपकी अरल सागर है आपका, कौन सा, अरल सागर, याद रखना अरल सागर के बारे में, कि कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित इस झील सियर दरिया तथा आमू दरिया नामक नदियां अपना जल गिराती हैं इसमें, यह धीरे धीरे समर्थता जा रहा है, ठीक है, अरल सागर। फिर आपकी जॉर्ज, ये आपकी जॉर्ज मुरियन झील है, ठीक, फिर यही आपकी हवानिका झील है, कौन सी, हवानिका झील इराक में, ठीक है, इराक में हवानिका झील है। फिर आपकी असद झील है, असद झील ये आपकी है सीरिया में अवस्थित है, एक किंतिम झील है। फिर आपकी यही उमरिया उर्मिया झील है, कौन सी, उर्मिया झील इराक के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित खारे जल की झील है, ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की छठवीं बड़ी झील है, यह आद रामसर आद भूमि संरक्षण संधि के तहत शामिल है, ठीक है। फिर आपकी यही ये वान झील है, कौन सी, वान झील तुर्की में, ठीक है, वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ठीक है, याद रखना। तो ये थी आपकी एशिया की प्रमुख झीलें, ये आपका कैस्पियन सागर है, दिख रहा है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बारे में याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, यह कजाकिस्तान रूस अजरबैजान इराक तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है, किन किन से, कजाकिस्तान रूस अजरबैजान इराक तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ओल्गा यूराल तथा कूरा नदी अपना जल इसी में गिराती है, यह एशिया तथा यूरोप को अलग करता है, ठीक है। तो ये थी आपकी एशिया की सभी झील, कोई छूट तो नहीं गई, नहीं कोई नहीं छूटी, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है उन्हें भी आप लोग देख लें। टोबा झील, टोबा झील इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के बैरिसन पर्वत पर क्रेटर झील, इसका जल आसाहान नदी से होकर मलक्का जल संधि में प्रवाहित होता है। फिर आपकी बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित एक झील, जो यूरेशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, इस झील के केंद्र में ओल खोन द्वीप स्थित है। बैकाल झील से इनेसी नदी की सहायक नदी अंगारा नदी निकलती है, इरकुटस्क शहर अंगारा नदी के दाहिने किनारे पर है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है, इसकी गहराई है 1745 मीटर, ठीक है। फिर आपकी बालकस झील
कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में अरल सागर से पूर्व मीठे जल की झील है, यह नवंबर से मार्च तक जमी रहती है, ठीक है, बर्फ से। फिर आपकी किंघाई झील, यह चीन के किंघाई प्रांत में स्थित नमकीन झील है। चीन की सबसे बड़ी यह झील सर्दियों में जम जाती है, ठीक है, सर्दियों में। फिर है आपकी लोपोनोर झील, चीन के तकला माकन के उत्तर पूर्व स्थित यह झील एक खारे जल की झील है। तरीय नदी अपना जल इसी झील में गिराती है। याद रहे कि चीन का परमाणु परीक्षण स्थल लोपोनोर यही अवस्थित है। फिर आपकी असद झील, सीरिया में अवस्थित एक किंतिम झील। इस झील में प्रदेश में मत्स्य काफी उद्योग काफी विकसित है, ठीक है। फिर आपकी कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। वोल्गा यूराल तथा कूरा नदी अपना जल इसी में गिराती हैं। यह एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। फिर जैसान झील, यह पूर्वी कजाकिस्तान में स्थित मीठे जल की झील है। स्वेत एटिस नदी का उद्गम इसी झील से होता है, ठीक है। फिर आपकी अरल सागर, क्या है अरल सागर, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित इस झील में सियर दरिया तथा आमू दरिया नामक नदियां अपना जल गिराती हैं। यह धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। फिर आपका मिरिस सागर है, यह जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर स्थित खारे जल की झील है। इसकी गहराई 304 मीटर है। यह एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। जॉर्डन नदी इस झील में अपना जल गिराती है। फिर आपकी बॉन झील है, तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ठीक। फिर उर्मिया झील, ईरान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित खारे जल की झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की छठवीं बड़ी झील है। रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण संधि के तहत इसे शामिल किया गया। फिर है टोनली सेप झील, कंबोडिया स्थित ताजे जल की झील है, ठीक है। फिर आपकी टूवा झील, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित यह झील विश्व की सबसे बड़ी बड़ी ज्वालामुखी झील है, ठीक है। फिर इसी कुल झील, कजाकिस्तान स्थित मीठे जल की झील चू नदी इसी नदी इसी झील में अपना जल गिराती है। फिर आपका खांका झील, यह झील रूस व चीन की सीमा पर अवस्थित है मीठे जल में। यह झील उत्सुर नदी तंत्र का भाग है, उत्सुरी, ठीक। फिर आपकी हवानिया झील, इराक स्थित मीठे जल की झील है, ठीक है, याद रखना। फिर आगे आपकी जिया झील रूस के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। इस झील से जिया नदी का उद्गम होता है। फिर आपकी सांबर झील है, भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित अंता स्थलीय खारे जल की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर आपकी डल झील है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट स्थित ताजे जल की झील है। बूलर झील है, फिर आपकी जम्मू कश्मीर स्थित भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, ठीक है। तो ये थी आपकी एशिया की प्रमुख झीलें। अब बात करेंगे हम लोग आगे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है, याद रखना।